हेलो फ्रेंड्स, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करें मरीन इलेक्ट्रिकल के बारे में। एक बजे अब तक की सबसे बड़ी खबर है, पूरा स्टॉक मार्केट हिला। इविको चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, माय गॉड, लिख लो 500 के पार, एमडी का बयान हिला देगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में मरीन इलेक्ट्रिकल का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी ने कुछ कर दिया। सीईओ का बयान प्लस एमडी का डिसीजन, दोनों ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया है। जिसके पास में मरीन का एक भी यूनिट है, उनको बना दिया है करोड़पति। मात्र 5 सेकेंड की डिटेल लेंगे, फिर चलेंगे गर्मा गर्म खबरों पर। आपके पास में मरीन इलेक्ट्रिकल का एक भी यूनिट है ना, करोड़पति बन गए भैया, मिठाइयाँ बटा दो पूरे मोहल्ले में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा लॉस देखा है। देखो, इतनी बड़ी खबर आने के बाद में 33.70 रुपए का हाई और 32 रुपए का लो बना दिया, और फिर भी अपर सर्किट में लोक नहीं हुआ। देखो, फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का टेक्निकल कैसा है, बिजनेस क्या, ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा बार बता दिया, अब चलते हैं डायरेक्ट उस न्यूज पर। आखिरकार की न्यूज क्या है, पूरे मार्केट में तहलका मचा हुआ है दोस्तों की न्यूज क्या है, न्यूज हिला के रख देगी। देखो यहां पर क्या बताया है, पहले तो डेट देखो, 23 नवंबर 2022 रात की न्यूज है, लेकिन अपडेट अब आया। देखो मरीन, टोटल 4 खबरें, मरीन इलेक्ट्रिकल सिंगिंग रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन, यानी मरीन ने ना जो ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ में है, कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। यहाँ पर देख लो, एग्रीमेंट ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन। अब आपको पता है आने वाला ताला ई व्हीकल का ही है, और ई व्हीकल का जमाना है तो भैया चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना। तो देखो, मरीन इलेक्ट्रिकल ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए राजस्व समाकरण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब जो भी ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनोगे ना, उनके साथ में पार्टनरशिप कर लिया, समझौता कर लिया। माय गॉड, क्या कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मरीन इलेक्ट्रिकल, देखो लिंक पे तो ईवी चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पर आप रीड भी कर लेना, फिर मैं आपको बता। देखो, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मरीन इलेक्ट्रिकल ने आज में समझौता कर लिया है। मरीन इलेक्ट्रिक घोषणा करते हुए साई कंपनी, किस कंपनी के साथ में किया, देखो ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ में समझौता किया, पार्टनरशिप किया। कौन सी कंपनी है वो, इविको चार्ज। देखो, इविको चार्ज ने पंचशील टेक पार्क पुणे के साथ में, पंचशील यानी इविको चार्ज है पुणे की कंपनी है, पंचशील टेक पार्क पुणे के साथ में राजस्व सदर के यानी कि समझौता कर लिया। ईवीको पंचशील परिसर के इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करता है आम जनता के लिए, यानी कि जो ईवीको चार्ज है ना, ईवीको पंचशील परिसर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये पुणे कंपनी है, ये चार्जिंग स्टेशन बनाता है, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि लाभ को पार्टियों के बीच आपसी सहयोग के अनुसार साझा किया जाना है। इसके कहा गया, इस समझौते की अवधि 10 साल की अवधि के लिए होगी, जब तक कि समझौता उल्लेख समाप्त न हो जाए। अब देखो दोस्तों, 10 साल का एग्रीमेंट हो गया है, 10 साल की कम से कम अवधि 10 साल की है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा हो जाएगा, मरीन को आधा मिलेगा, ईवीको को आधा मिलेगा। ये हमने देख लिया भैया, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चावला स्टॉक मार्केट ही आपको दे रहा है, इस बात पर वीडियो को एक लाइक बनता है, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है भैया, इतनी बड़ी न्यूज। क्योंकि मैंने आपको हर बार बोला था 500+ का स्टॉक है, टाइटली होल्ड कर लो, लेकिन उस टाइम पर आपने नेगेटिव कमेंट किया, लॉस में सेल कर दिया। जिन्होंने लॉस देखा, वेट किया, होल्ड किया, मालामाल रिटर्न उनको मिलेगा, करोड़ बन गए, क्योंकि अभी तो अपडेट आना शुरू हुआ है, अभी तो और देखेंगे, बहुत अपडेट है। देखो ठीक है, 10 साल का एग्रीमेंट है। मरीन इलेक्ट्रिकल ने इस प्रकार समुद्री प्रकार के समुद्री और उद्योग इलेक्ट्रॉनिकों और इलेक्ट्रॉनिक घटनाओं के जैसे स्विचिंग गियर, कंट्रोल गियर निर्माण की और बिक्री में लगी हुई है, और नवीकरण ऊर्जा के। देखो, मैंने आपको बताया कि समुद्र में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं सबमरीन वगैरह के, इसके क्षेत्र में ये काम करता है। तो वो आ गया ना, स्विच बनाना, गियर बनाना, कंट्रोल गियर निर्माण का बिक्री में लगी हुई है। नवीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से समझौता में लगी हुई है, सौर में लगी हुई है, ठीक है। यह बात और विदेश के सभी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठानों के लिए डिजाइन फैब्रिक जैसी सेवाएं प्रदान करती है, मतलब बात और विदेशों में यही एक नंबर की कंपनी है, ठीक है, और रीड कर लेंगे यहां पर, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। देखो दोस्तों, समय के आधार पर कंपनी को शुद्ध 23% घटकर 2.33 करोड़ रुपए हो गए हैं। शुद्ध बिक्री 15.90% की गिरावट के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर उनके यहाँ पर 90.32 करोड़ ही हो गए। इनमें से देखो, 1 पॉइंट बढ़कर 33 रुपए हो गया। कैपिटल मार्केट संचालित लाइव है, इनको अपने को छोड़ दे। अब देखो, मरीन इलेक्ट्रिकल है, 23 नंबर है, रात को कंपनी ने भी अपडेट किया। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लो, जिसको यहाँ पे ये प्लेस यहाँ पे देखो, ई व्हीकल के इसके साथ ही किया है। मैं फिर आपको रीड कर देता हूँ। देखो, हम आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सहायक कंपनी ईवीको
पार्ट, देखो चार्ज कंपनी का क्या नाम है, इविको चार्ज पार्ट लिमिटेड, इविको चार्ज पार्ट लिमिटेड है, ने आम जनता की सुविधा के लिए प्रदान पंचशील परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पंचशील ट्रेक पार्ट प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ में राजस्व समझौता किया है। ध्यान रखना लाभ की पार्टी के बीच में, यह मैंने आपको बता दिया 10 साल का एग्रीमेंट है। अब आप खुद सोच लो भैया इसे फ्यूचर क्या, इसका फ्यूचर क्या, मरीन का, मरीन ने सबको हिला के रख दिया है। जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां ई व्हीकल में ध्यान दे रहे हैं, भैया ई व्हीकल बनाओ, ई व्हीकल के आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा भाई ई व्हीकल तो आ जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल की गाड़ी आ रही है, लेकिन भाई गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं गलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी, तो पहले तो पंप बनाना जरूरी है ना। वैसे ई व्हीकल का तो जमाना आ गया है और सभी लोग ई व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भाई उसको चार्जिंग करने के लिए स्टेशन भी तो जरूरी है ना, वो तो मेन पार्ट है भाई, पहला पार्ट है, ई व्हीकल तो बाद में आता है, बट उससे पहले चार्जिंग पॉइंट आता है। जैसे ही जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी वाड़ी होती है वो बाद में आती है, पहले पेट्रोल पंप तो होना जरूरी है ना। तो भैया मरीन ने क्या किया, मौके का फायदा उठा लिया और इविकल कंपनी पुणे के साथ में इविको के साथ में पार्टनरशिप कर ली और अभी ये 500 प्लस का स्टॉक हो गया। इतने दिन ये 500 का स्टॉक था, बट ये 500 प्लस का स्टॉक हो गया है। आपके पास में है होल्ड करने की कैपेसिटी, तो आपको इतना आने वाले टाइम में इतना रिटर्न देगा कि सपने में नहीं सोचा होगा कि मरीन ने क्या पैसों की बरसात करी है। तो बस यही है, टाइटली होल्ड कर लो, करंट प्राइस पर भी होल्ड कर लो, थोड़ा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो, भैया बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे देगा। 10 साल का एग्रीमेंट है, ये बिजनेसेस है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है भाई। 2025, 2026, 2030 में बचा जानेगा, चारों तरफ पेट्रोल डीजल बैन बंद हो जाएंगे, गाड़ियां वाड़ियां सब, पेट्रोल पंप सब बंद हो जाएंगे, ई व्हीकल चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चलेंगे और पेट्रोल पंप की जगह ई चार्जिंग स्टेशन होगा। तो भैया धमाका कर दिया, अब कोई रोकने वाला नहीं। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।